बढ़ सकती हैं सोयाबीन की कीमतें। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है कारण। दरअसल इस साल सोयाबीन का उत्पादन घटने की आशंका जताई गई है। सरकार की ओर से लगाए गए उत्पादन के पूर्व आंकड़ों में गिरावट आ सकती है। इस साल बेमौसम बारिश से फसल को काफी नुकसान हुआ है और यही कारण है कि सोयाबीन के उत्पादन में गिरावट की उम्मीद बढ़ गई है। और उधर राजस्थान में इस साल सोयाबीन का उत्पादन 15 से 20% कमजोर बताया गया है। बाजार जानकारों के अनुसार 2022-23 के खरीफ फसलों के उत्पादन में 1.7% गिरावट के साथ 64 करोड़ 26 लाख टन रहने का अनुमान है। उधर राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष का भी यही मानना है कि इस साल सितंबर में 125 लाख टन सोयाबीन पैदा होने का अनुमान लगाया गया था, जो पिछले साल से करीब 4.5% ज्यादा था। लेकिन बेमौसम बारिश से सोयाबीन की फसल को काफी नुकसान हुआ और जिसके चलते उत्पादन कम देखने को मिला और इस साल 123,30,000 टन सोयाबीन पैदावार का लक्ष्य हो सकता है, जो पहले लगाए गए अनुमानों से करीब 1.2% कम है। हालांकि सोयाबीन का उत्पादन पिछले साल से 3.30% ज्यादा है। बेमौसम बारिश से राजस्थान में सोयाबीन उत्पादन 1.5 लाख टन घटने का अनुमान लगाया गया है और वर्ष 2022-23 में राजस्थान में अब 8,30,000 टन सोयाबीन पैदा होने का अनुमान है, जबकि पहले 9,80,000 टन का उत्पादन का अनुमान था। उधर मध्य प्रदेश में 47,90,000 टन तो महाराष्ट्र में 57,40,000 टन सोयाबीन उत्पादन होने का अनुमान है। इन दोनों राज्यों में उत्पादन पहले लगाए गए अनुमानों के फिलहाल मुताबिक ही बताया गया है। उधर व्यापारियों का मानना है कि सोयाबीन की को बेचने की फिलहाल किसान जल्दी ना करें, क्योंकि आगे चलकर भाव में तेजी की उम्मीद की जा रही है। बाजार जानकर मानकर चल रहे हैं कि जिस तरीके से सोयाबीन के उत्पादन के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं और जैसे अब मंडियों में आवक धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसके चलते आने वाले समय में सोयाबीन के भाव बढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। यानी आगामी अप्रैल महीने में 1 से 2 हजार रुपये प्रति दर से भाव बढ़ने की संभावना बाजार लगाकर चल रहा है। इसीलिए वो किसानों को व्यापारी कह रहे हैं कि फिलहाल सोयाबीन को बेचने में जल्दी न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।